अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मीठे रसीले फल लीची मिलना शुरू हो गया है। इसके मीठे और रसीले स्वाद के कारण हर कोई खाना इसे पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, लीची स्वादिष्ट होने के साथ साथ कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। लीची में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। लीची के अंदर जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं वह हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन जब बात आती है गर्भावस्था की, तो प्रेगनेंसी के दौरान लीची खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आपको सही जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी में लीची खाने के फायदे क्या क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान लीची खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और अगर आप लीची का सेवन करती हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि लीची खाने से आपको कोई नुकसान ना हो। साथ ही जानेंगे आपको कितनी मात्रा में लीची खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी में लीची खाने के फायदे क्या है। फ्रेंड्स, लीची में बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है और बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की शिकायत रहती है। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की शिकायत रहती है उन्हें लीची का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि लीची फाइबर फूड है। लीची खाने से आपका डाइजेशन सही रहेगा और आपको कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। तो ऐसी महिलाओं को लीची का सेवन जरूर करना चाहिए। प्रेगनेंसी में लीची खाने का दूसरा फायदा है, लीची में विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में मौजूद होता है और विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं का इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है। जब आप प्रेगनेंसी में सही मात्रा में लीची का सेवन करती हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहता है। आप सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर जैसे प्रॉब्लम से बची रहती हैं। लीची खाने से यह हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान थकान या कमजोरी ज़्यादा रहती है तो आप लीची खा सकती हैं। इससे आपके शरीर को भरपूर एनर्जी और नई ऊर्जा मिलती है। फ्रेंड्स, लीची में फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो गर्भ में पल रहे शिशु की हड्डियों को काफ़ी मजबूत बनाता है। तो ऐसे में लीची खाना गर्भ में पल रहे शिशु के लिए फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, झाइयाँ पड़ जाती है। लीची में एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होता है जो आपके स्किन प्रॉब्लम को दूर करता है, स्किन को ब्राइट रखता है और सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस से भी स्किन को बचाता है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए भी लीची का सेवन करना चाहिए। फ्रेंड्स, लीची में आयरन मौजूद होता है। प्रेगनेंसी में लीची खाने से आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी और आपको एनीमिया जैसी बीमारी भी नहीं होगी। अगर आपको प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है तो भी आप लीची का सेवन कर सकती हैं। लीची में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे कि आपको मॉर्निंग सिकनेस का एहसास कम होगा। इसके मीठे और रसीलेपन स्वाद के कारण आपके मुंह का टेस्ट अच्छा रहेगा। तो आपको मॉर्निंग सिकनेस से बचने के लिए भी लीची का सेवन जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी बातें प्रेगनेंसी में लीची खाने के फायदे के बारे में। फ्रेंड्स, लीची खाने के फायदे तभी आपको मिलेंगे जब आप इसका सेवन सही मात्रा में करेंगे, वरना फायदे की बजाय आपको नुकसान भी मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, लीची खाने से पहले आपको कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, लीची को कभी भी खाली पेट ना खाएं। एक बार में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लीची खाने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, लीची खाने के बाद आपको पानी भूलकर भी नहीं पीना चाहिए। इससे पेट फूलने की समस्या हो सकती है और गर्भ में शिशु के लिए गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। जब भी आप मार्केट से लीची खरीद कर लाती हैं तो इसे अच्छी तरीके से धोकर ही खाएँ। ज़्यादा मात्रा में लीची खाने से आपको गेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लीची खाने से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि खुजली होना, होठों पर फोड़े पड़ना, ये सभी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को कभी भी ज़्यादा खट्टी लीची का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि खट्टी लीची खाने से आपके गले में खराश हो सकती है, गर्भ में पल रहे शिशु को भी नुकसान पहुँचा सकती है। कभी भी सड़े हुए या ख़राब लीची को ना खाएं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया मौजूद होता है, इससे शिशु को इन्फेक्शन हो सकता है। हमेशा ताज़े पके हुए लीची को अच्छी तरीके से धोकर ही खाएं। आपको थोड़ा सा भी लगे कि लीची से बदबू आ रही है तो आपको लीची नहीं खाना चाहिए। लीची में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो लीची बिल्कुल भी ना खाएँ।
फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं को डेली 5 लीची का ही सेवन करना चाहिए। डेली आप 4 या 5 ताजे पके हुए मीठे लीची को खाएं, आपको फायदे मिलेंगे। लेकिन आपको इससे ज़्यादा मात्रा में लीची नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में लीची खाने से फायदे के बजाय आपको नुकसान मिल सकते हैं। जब भी आप लीची खाएं तो ब्रेकफास्ट करने के बाद खाएं, या दोपहर के समय में भी खा सकती हैं। लेकिन आपको सुबह के समय में खाली पेट लीची बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी प्रेगनेंसी के दौरान लीची खाने के फ़ायदे, आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और आपको कितनी मात्रा में लीची का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।